दोस्तों आपने ग्राजियाप स्किन वाइटनिंग क्रीम का नाम तो सुना ही होगा। ग्राजियाप स्किन वाइटनिंग क्रीम को गेल केयर फार्माटिकोलर्स प्राइवेटेड लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इसी कंपनी द्वारा सेम गेलो ई क्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाई जाती है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ग्राजियाप स्किन वाइटनिंग क्रीम हमारे चेहरे को गोरा बनाने के लिए और हमारी रंगत को निखारने के लिए काफ़ी अच्छी स्किन वाइटनिंग क्रीम थी, जो कि बिना साइड इफेक्ट के हमारे चेहरे को गोरा बनाती थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेलो ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में, जो कि हमारे चेहरे को पूरी तरीके से मॉइस्चराइज करती है और साथ में हमारे चेहरे पर अन्य स्टेरॉइड क्रीम के कारण हुए साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार अपने चेहरे पर स्टेरॉइड क्रीम के कारण साइड इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको इस क्रीम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नई वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप ग्राजियाप स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों गेलो ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में एलोवेरा एंड विटामिन ई एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया है। और बात करें इसके नेट क्वांटिटी की, तो ये आती है 100 ml की। इसके साथ अगर बात करें इसके अन्य इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें एलोवेरा जूस 10% यूज़ किया गया है। इसमें एजेड्रिया चटा इंडिका 3% यूज़ किया गया है। विटामिन ई 1% यूज़ किया गया है। इसमें ओक्यूमम सेंटियम 3% का यूज़ किया गया है। दोस्तों बात करें इसको कैसे यूज़ करना है, तो अपने फेस को आप इजीली किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। दोस्तों जब आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो आपकी स्किन हल्की सी ड्राई हो जाती है और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम सर्दियों में होती है। तो इसे अपने फेस पर आप इजीली डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा करने से आपके चेहरे पर मॉइस्चराइज अपनी स्किन रहेगी और आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी। बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 149 रुपये। अगर आप इसे डिस्काउंट में परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इजीली इसको डिस्काउंट में परचेस कर सकते हो। और दोस्तों बात करें इसके की टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट है। जब आप इसे अपने स्किन पर अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन में काफ़ी जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है, आपको किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये क्रीम हमारे चेहरे के स्टेरॉइड क्रीम से होने वाले साइड इफेक्ट को कैसे दूर करेगी। तो दोस्तों जब आप किसी अन्य स्टेरॉइड क्रीम का यूज़ करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप कोई भी स्टेरॉइड क्रीम ले लीजिए, माना कि आपने कोई भी हाइड्रोक्विनोन क्रीम यूज़ की जिसमें अन्य इंग्रेडिएंट्स ट्रेटिनियन एंड मोमेटासोन फिरेट डाले जाते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर दोस्तों ले लीजिए स्किन ब्राइट क्रीम, आपने इस क्रीम का यूज़ किया तो आपकी स्किन ऐसी क्रीमों को यूज़ करने से ड्राई हो जाती है। और दोस्तों ऐसी क्रीमों को यूज़ करते समय हमें कोई एक ऐसी अन्य क्रीम या ऐसे सप्लीमेंट स्किन वाइटनिंग क्रीम या फिर जेल का यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके स्किन को तुरंत ही मॉइस्चराइज करता जाए। अगर आपके दोस्तों स्किन मॉइस्चराइज होती रहेगी तो आपके चेहरे पर किसी प्रकार की पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, मेलाज्मा की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। अदरवाइज दोस्तों आप अपने चेहरे पर डायरेक्टली स्किन वाइटनिंग क्रीम, जो कि हाइड्रोक्विनोन या फिर स्टेरॉइड हो सकती है, का यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर आपकी स्किन ड्राई होती जाएगी, जिससे कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको इसके साइड इफेक्ट से बचना है तो आप क्या करें। तो दोस्तों जब आपको स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर रहे हो और उसके आप साइड इफेक्ट देखने को मिल गए, तो आप दोस्तों क्या करें, इसको अल्टरनेट डेज में यूज़ करना शुरू कर दें। यानी कि जो आप स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर रहे हो उसको अल्टरनेट डेज में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों आप पहले इसका डेली यूज़ करते थे, तो आपको दोस्तों अब ये 3 दिन में एक बार या फिर 2 दिन में एक बार यूज़ करनी है और आपको ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिक्स करके लगानी है। दोस्तों मैं आपको पहले काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम सजेस्ट करता था, बट दोस्तों मॉइस्चराइजिंग क्रीम काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, तो ये भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपको ये वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसके साथ में मिक्स करके आप लगा सकते हो। ऐसा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों आपके चेहरे पर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ऐसा करते करते आप लगभग 15-20 दिन के अंदर ही इस क्रीम को और उस क्रीम को दोनों को पूरी तरीके से दोस्तों बंद कर देना। फिर आपको क्या करना है कि इस वाली क्रीम को आप रेगुलरली यूज़ करना। तो दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो उस वाली स्टेरॉइड क्रीम को आप पूरी तरीके से लगाना छोड़ देंगे और इस वाली क्रीम पर आप आ जाएंगे, यानी कि एक दोस्तों क्रीम से कम
क्रीम तो कम है और दोस्तों ये मॉइस्चराइजर ज़्यादा है एक प्रकार का, तो आपकी स्किन में किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम इससे तो होगी नहीं, और जो आपके फेस पर किसी अन्य स्टेरॉयड क्रीम के कारण साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम हो गई है वो भी दोस्तों दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया ग्राजियाप स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में, जो कि आपके चेहरे को गोरा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप उसके वीडियो देखना चाहते हो और उसका यूज़ करना चाहते हो तो मैं दोनों का ख़रीदने का और वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया इस क्रीम के बारे में, ग्लो ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में, तो ये भी आपके चेहरे को पूरी तरीके से दोस्तों मॉइस्चराइज करती है और आपके चेहरे पर किसी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं करती है। और दोस्तों लास्ट में हमने आपको बताया कि आप इस क्रीम से किस प्रकार अपने चेहरे पर स्टेरॉयड क्रीम के कारण साइड इफेक्ट को भी दूर कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा द्वारा दी गई जानकारी एंड ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो कि ऐसी क्रीम्स का यूज़ करके अपने चेहरे को ख़राब कर चुके हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।